नमस्कार किसान भाइयों, मैं विक्रम तोमर आपके अपनी फसल समाधान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं कार्तिक सीड कंपनी के धान के बारे में, जिसका नाम है पद्मा। जी हां किसान भाइयों, इसकी आज मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। कार्तिक सीड कंपनी का यह पद्मा नाम से 1509 धान आता है। कार्तिक सीड कंपनी 1500 धान पद्मा नाम से देती है। इसकी आज मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। किसान भाइयों, पहले जानते हैं इसके नर्सरी के बुवाई का सही समय कौन सा है। किसान, पद्मा धान की नर्सरी आप 1 जून से पूरे जुलाई आप इस धान की नर्सरी डाल सकते हैं। अब जान लेते हैं कार्तिक सीड का जो 1509 धान पद्मा के नाम से आता है, इस धान में क्या क्या विशेषता है। किसान भाइयों, अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो इस धान के पौधों में कलियों की संख्या अधिक रहती है। अगर इस धान की एक और विशेषता की बात करें, इसका जो दाना आता है वह मोटा चमकदार इसका दाना आता है। यह धान झड़ता नहीं है। कुछ वैरायटियों आपने देखा होगा, बालियां जब पकती हैं तो बालियों से दाने झड़ जाते हैं, लेकिन इस वैरायटी में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। प्रत्येक बाली में दानों की अधिक संख्या रहती है। यह धान BLV रोग के प्रति सेंसिटिव होता है। इसमें जो लीव ब्लास्ट की धान में शिकायत आती है, लेकिन पद्मा धान में यह शिकायत नहीं आती है। इस धान का जो पौधा होता है उसका तना मोटा रहता है। मोटा होने के कारण यह धान गिरता नहीं है। यह धान गिरने के प्रति सहनशील है। इस धान की बुवाई आप लगभग सभी राज्यों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी बुवाई आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में आप इसकी खेती कर सकते हैं। चलिए, इस धान की बुवाई के लिए और अच्छी पैदावार के लिए बलुए दोमट मिट्टी होनी चाहिए। चलिए, अगर हम इस धान के पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम इस पैकेट के पैकिंग साइज की बात करें तो इसका जो पैकेट आता है वह 6 किलो का आता है, जो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त हो जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं इसके बीज की मात्रा की। अगर हम 1 एकड़ में इसके बीज की मात्रा की बात करें तो आप 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस बीज की नर्सरी डाल सकते हैं। अगर हम कार्तिक पद्मा की पैदावार की बात करें तो यह 1 एकड़ में 38 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह आसानी से पैदावार दे देता है। तो किसान भाइयों, अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप 1509 धान की वैरायटी लगाना चाहती हैं तो कार्तिक सीड कंपनी एक अच्छी बीज के मामले में अच्छी कंपनी है। तो आप कार्तिक कंपनी के पद्मा वैरायटी का चयन करके अपने खेत में इसकी बुवाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पैदावार निकलती है, कोई भी रोग नहीं आता है। तो आप इस पद्मा रिसर्च धान 1509 की बुवाई कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे फसल समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय किसान।